16 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे और बिना चलाए वो तो लाख गुना इससे मतलब चलने में बहुत अच्छी थी। हाँ, ऐसा मत समझो आपकी आपने गलत गाड़ी ले ली है, बट ये है कि ऐसे लो पड़ जाती है कि यार ऑल्टो चला रहा हूँ क्या मैं। ऑल्टो क्या मतलब... बात कर रहे हो ऑल्टो। मुझे भी रियलाइज हो रहा है आपका जो दर्द है ना, अगर आपको टेस्ट ड्राइव मिली होती तब मैं नहीं लेता इसको। सच बात बताओ, बिल्कुल नहीं लेता मैं इसको। आज मैं उत्तराखंड की राजधानी में हूँ। राजधानी का एक बहुत अच्छा इलाका है जिसे माल देवता बोला जाता है। इधर देखिए आप, नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ हैं, और आज मैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ। फ्रेम में अगर आप देखेंगे, ब्लैक कलर की MG एस्टर आपको दिखाई देगी। ये है ब्लैक स्टोन एडिशन। ये है हमारे कौन से भाई, अश्वनी भाई की गाड़ी है। अश्वनी भाई हमारे सिंगर है, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, और अभी इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। इन्होंने गाड़ी हाल फिलहाल में ही ली है और इनको ब्लैक कलर ही चाहिए था। ये इन्होंने ब्लैक कलर वाली गाड़ी तो ले ली है, लेकिन MG की क्यों ली है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये इस गाड़ी से खुश हैं, इस गाड़ी में कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसको टेस्ट करने के लिए अच्छा रोड भी हमारे पास है। इधर देखिए आप, मतलब कि रोड नहीं है, खराब रोड है। अश्वनी भाई ने बुलाया, हम यहाँ पर आ गए। आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। तो अश्वनी भाई, सबसे पहले एक बात बताओ यार, MG बहुत कम लोग सेलेक्ट करते हैं और इस सेगमेंट में तो बहुत सारे महारथी हैं ऑलरेडी, क्रेटा, सेल्टोस, इसमें क्यों जाना हुआ? मेरा बजट 15-16 का ही था। अच्छा, उसमें क्रेटा सेल्टोस मैंने सब देखी, तो क्रेटा तो मेरे वहाँ पे सभी के पास है, तो वो बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। मैंने कहा वो तो मुझे लेनी नहीं भाई, थोड़ा सा हटके दिखने वाली। हाँ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था मुझे। हाँ। और सेल्टोस जो इसमें फीचर्स आ रहे थे, वो सेल्टोस में फीचर्स जिसमें आ रहे थे वो 18+ जा रही थी, तो आउट ऑफ बजट थी मेरी। फिर बाकी मैंने कोई और तो देखी नहीं, क्योंकि मुझे और कोई पसंद ही नहीं थी। फिर मैंने इसको देखा जाके, तो मेरी, मैं वैसे फैमिली वाला बंदा हूँ देखो, तो मेरी फैमिली में फीचर्स वगैरह उन्हें चाहिए थे, तो मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ। और बल्कि मैंने इसको चलाया नहीं था उस टाइम। अच्छा, जब चलाना हाँ, तो चाहिए था यार, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थी, ये वाली मैनुअल अवेलेबल नहीं थी उनके पास। अरे मैं एक चीज तो बताना भूल गया, ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन नहीं है, ये है नेचुरली एस्पिरेटेड और मैनुअल है। 16 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे और बिना चलाए क्योंकि जो मेरे को टेस्ट ड्राइव हुई है वो ऑटोमेटिक की हुई थी। ऑटोमेटिक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन था वो टर्बोचार्ज था, बट उन्होंने मुझे पहले बताया कि इसमें इशू है। अच्छा। कि इसमें जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल था कि वो 2020 मॉडल है, और वो उसमें इशू है कि इसमें पावर का इशू है कि कुछ दिक्कत है। तो मैंने कहा यार मैं कैसे वो करूँगा कि मेरी गाड़ी कैसी होगी। कह रहे कि सर मैनुअल तो अवेलेबल है नहीं, कि आप देख लीजिए। फिर और घर वालों को पसंद आ गई थी तो मैंने ये ले ली, लेकिन अब पावर नहीं है बिल्कुल खत्म पावर है, बिना पूछे ही बता दिया इन्होंने, तो बिल्कुल खत्म पावर है गाड़ी में। पावर के नाम पे तो जीरो है, जीरो है। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? पहले ग्रैंड आईडी नियोस थी मेरे पास, उसके कंपैरिजन चलने में वैसी ही है, वैसी ही है। हाँ, और वो इतनी छोटी गाड़ी है। हाँ। और ये कॉम्पैक्ट SUV में आ रही है देखो, मिड साइज में, लेकिन पावर बिल्कुल नहीं है। जिसको पावर के लिए चाहिए था वो तो बिल्कुल ना ले इसको। तो एक बार इसको चलाकर देखें क्या? चलाकर देखते हैं, फिर बात करते हैं कितनी पावर है या नहीं है। इनकी उम्मीदों पे तो खरी नहीं उतरी है गाड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। अंदर बैठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है। इधर देखिए आप, ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसके बेस वेरिएंट में भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, इतनी बड़ी स्क्रीन मिलती है। स्टार्ट करते हैं, पुश स्टार्ट बटन भी मिलता है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 5 गियर ही मिलते हैं। चलाकर देखते हैं, स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और इंजन के अंदर नॉइज नहीं है, ना ही वाइब्रेशन है। जब आपने इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम चलाया था तब क्या महसूस करा आप? तब भी मुझे ये महसूस हुआ था कि यार पावर नहीं है। और जिस दिन मैं जब इसको बाहर लेके गया, जैसे मैंने शोरूम से बाहर निकाली, मैंने कहा यार मतलब इतनी खूबसूरत गाड़ी, हाँ गाड़ी तो खूबसूरत है ही। हाँ। उसको खूबसूरती को देख के ली थी है। लेकिन चलाने में मैंने कहा यार मतलब बिल्कुल ही मेरे एक्सपेक्टेशंस अपोजिट है बिल्कुल, ये गाड़ी चलाने में तो मजा नहीं था इसमें। अच्छा मुझको एक बात बताओ, आपने किस गाड़ी को चला के देखा था इसकी सेगमेंट? मैंने इसके सेगमेंट में मैंने चलाई है कुशाक चलाई। सबसे कौन सा, 1.5 या 1.0 टर्बो? अच्छा, 1.5 भी नहीं चलाई मैंने, 1.0 चलाई थी। वो तो लाख गुना इससे मतलब चलने में बहुत अच्छी थी। बस ये कि उसमें फीचर्स मेरे बजट में आ नहीं रहे थे उतने, इसलिए मैं उस पर नहीं गया। और मैंने और भी चलाई, वर्टस चलाई, लेकिन सेडान मेरे मतलब मेरे काम की नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा शूट करता हूँ तो हील वगैरह पे जाते रहते हैं हम लोग, तो उसके लिए
सही नहीं थी वो। मैं एक बात आपको सच सच बताऊंगा, आप अगर सेल्टोस का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाएंगे, आप अगर क्रेटा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाएंगे, लगभग ऐसा ही चलता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। आपने टेस्ट ड्राइव के टाइम पे टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन चलाए हैं, उसमें पावर अच्छी होती है, ठीक है, तो आपको महसूस होगा। 16 लाख में इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, ये कलर मिल रहा है और ये इंजन मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ऐसा मत समझो आपकी आपने गलत गाड़ी ले ली है, बट ये है कि इसका एक डाउन साइड मैंने सुना है काफी लोगों से, वो ये है कि एवरेज कम देती है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही कम देती है सच में मतलब एवरेज वाले लोग भी ना ले इसको। अच्छा, एवरेज इसका तो दिखाता 12 है और अभी मैं हाईवे से आ रहा हूँ, 12 दिखा रहा है, 10 ही दे दिया होगा इसने, क्योंकि वो दिखाता भी कुछ वैसा ही है। क्योंकि अभी मैंने 3000 चलाई है इसको, अभी तक मैंने इसमें 3-4 बार तो टैंक फुल करा दिया, और रोज मैं जब भी निकलता हूँ 2000 का पेट्रोल तो मैं इसमें डालता ही हूँ। और इसके अलावा चलो एक एक करके कमियां ही बताओ सबसे पहले। कमियां मुझे इसमें यही लगी है बस दो, ये एक पावर वाली और एक एवरेज वाली, बाकी इसमें कोई कमी नहीं। देखो अब मुझे, अब मैं एक यूज केस बताता हूँ। अब जैसे आप तो चलते रहते हो, ठीक है, आपने एक महीने के अंदर 3000 किलोमीटर चला ली, बहुत अच्छी खासी रनिंग है आपकी। जो महीने में 300-400 किलोमीटर चला रहा है, किसी फंक्शन में जाना है, अपनी फैमिली को लेके जाना है, या फिर फैमिली के साथ किसी लंबी ट्रिप में कभी कभार जा रहा है बंदा, तो उस हिसाब से तो ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी। दूसरा, इस गाड़ी का इंटीरियर इतना जबरदस्त है कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं जी, ऐसा महसूस कराएगी। कुछ पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है कि सारा नेगेटिव है इस गाड़ी में। हाँ जी, अब देखिए राइड क्वालिटी कितनी अच्छी है, इतनी खराब रोड में मैं चल रहा हूँ आगे, राइड क्वालिटी काफी प्यारी है इस गाड़ी की, नो डाउट, कंफर्टेबल है। पीछे की सीट कैसी है, आप बैठे हो पहले कभी? पीछे तो मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ आज कैसी लग रही है? तो पीछे काफी अच्छा है यार, मतलब सीटिंग वगैरह कंफर्टेबल, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है आपको गाड़ी में। इसमें अगर आप सेम सेगमेंट में क्रेटा सेल्टोस का इंजन चलाओगे, वो थोड़ा सा ज्यादा पैपी लगेगा, कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है, बट हाँ वो एवरेज अच्छा देते हैं अगर आप उनको प्यार से चलाओगे। ये तो है। तो अगर हम देखें डाउन साइड इस गाड़ी का, सबसे बड़ा फ्यूल एफिशिएंसी है, और 10 की मिल रही है पेट्रोल गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी में तो उतनी बुरी भी नहीं कहेंगे हम इसको। अगर ये 6-7 का 5 का एवरेज दे रही होती, 8-9 का दे रही होती, तब सोचा जा सकता था। कभी आप हाईवे में इसको लेकर लंबा चले हैं? हाईवे में अभी रिसेंटली नैनीताल गया था। अच्छा, तो मैं हाईवे से ही गया था, तो उस टाइम इसमें दिखा रहा था 14-15 का दिखाया था इसने। अच्छा, कितनी स्पीड आपने मेंटेन किया? मैं ज्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं 80-90 इससे ज्यादा मैं चलाता ही नहीं हूँ कभी भी, और मैं क्रूज पे ही चल रहा था पूरे रास्ते पे, मतलब पूरे हाईवे पे, तो 14 मैक्सिमम दिखाता है इसमें एवरेज, इसका इससे ज्यादा नहीं दिखाता। बाकी जो गाड़ी है उसमें 6 गियर भी आते हैं आपकी, जो क्रेटा सेल्टोस है उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ 6 गियर आते हैं। इसकी ना मुझे एक सबसे मेन चीज लगी रोड प्रेजेंस, मतलब जब मैं लेके आया था ना इसको, सब सोच रहे कौन सी गाड़ी है यार, मतलब लग्जरी गाड़ी ले आया सच में, मतलब ऐसा सब मुड़ के देख रहे थे इसको कि यार ये गाड़ी कौन सी, क्योंकि मेरे एरिया में है ही नहीं है गाड़ी कोई, किसी के पास नहीं, ब्लैक कलर की तो है ही नहीं। आपकी जो चाहत है ना यूनिक गाड़ी की, वो तो पूरी होगी। हाँ। और आपकी सारी ख्वाहिशें थोड़ी पूरी होंगी यार। अभी आगे देखिए अपहिल है, तो इसमें चलाकर देखते हैं कैसी चलती है। एक बार मैं इसको रोकना चाहूंगा और शुरुआत से इसको चलाना चाहूंगा। इंजन थोड़ा सा और पैपी होना चाहिए था, थोड़ी सी पावर की कमी तो महसूस हो रही है, नो डाउट। इंस्टेंट पिकअप नहीं है इसमें। हाँ। उसकी कमी है सबसे ज्यादा इसके अंदर। ठीक है, एक बार मोशन में आ जाती है उसके बाद जो है आपको कुछ ज्यादा फील नहीं होता। हाँ। और स्पीड जैसी स्लो होती है तो आपको जो है एक गियर को स्किप करके डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी गाड़ियां जहां पर तीसरे में चलने लग जाएगी, ये थोड़ा सा दम तोड़ रही है, आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, जहां पर आपकी गाड़ी तीसरे गियर में चल सकती है वहां पर आपको दूसरे में चलानी पड़ रही है, तो आप समझ जाओ। ये देखिए अब तीसरे में दम तोड़ रही है। इससे थोड़ी देर पहले यहां पर मैंने दूसरी गाड़ी चलाई थी, उसका नाम नहीं लूंगा, बट वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब देखिए ये सेकंड गियर में ही इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। कभी पहाड़ों की साइड गए हो, मतलब एक्सट्रीम चढ़ाई में आप इसको लेके? एक्सट्रीम चढ़ाई पे मैं इसलिए जानबूझ के नहीं ले गया, वो अभी तक गया तो मेरे गली जाने ही नहीं मेरे को इसको, क्योंकि यार
नैनीताल में भी इतना एक्सट्रीम नहीं थी वो चढ़ाई, लेकिन वहाँ पे भी इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा था मेरे को, मतलब चलाने में बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा अब तो इसको, और अभी हमने एसी नहीं चला रखा, एसी चला के तो ये बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है। हेलो एस्टर, हाय, स्विच ऑन एसी, क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑन। यार बहुत फर्क है, मतलब एकदम से ऐसे लो पड़ जाती है कि यार ऑल्टो चला रहा हूँ क्या मैं। ऑल्टो क्या मतलब? बात कर रहे हो, ऑल्टो? ऑल्टो नहीं, ऑल्टो तो गोली है, गोली। फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है इसमें, ये बहुत इसका कामयाब फीचर लगा मुझे। हाँ। नैनीताल जैसी जगह पे। अब मुझे भी रियलाइज हो रहा है आपका जो दर्द है ना, सीधी रोड में तो सही लग रहा था, लेकिन जब चढ़ाई आ रही है ना तब पता चल रहा है। अच्छा, आप इस गाड़ी को किसी को रिकमेंड करोगे, मुझे ये बताओ। मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जो लोग शादी में गाड़ी लेकर जाते हैं ओनली। हाँ, जो सिटी के लिए घूमते हैं, जिनको चाहिए फीचर्स, जिन्हें चलाने से मतलब नहीं है। अगर आपको टेस्ट ड्राइव मिली होती तब मैं नहीं लेता इसको, सच बात बताओ। बिल्कुल नहीं लेता मैं इसको, सच में। क्योंकि मैं कैसे लेता, मेरे को देखो, मैं घूमता बहुत हूँ। मेरे पहली गाड़ी जो थी वो 3 साल में मैंने 90,000 किलोमीटर चला दी थी। तो हमारा शूट रहता है इधर उधर पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो हम जाते रहते हैं, तो मुझे चलाने का भी शौक है मेरे को। तो अगर मैं ये चलाता टेस्ट ड्राइव में तो मैं बिल्कुल नहीं लेता इसको। मैंने कहा इतनी बड़ी गाड़ी है, 1.5 है, तो 1.2 से तो अच्छी होगी ना जो पहली थी मेरे पास, है ना। ओनर ही बता सकता है गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा अश्विनी जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या गाते हैं? सर एक्चुअली मैं सिंगर यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है अश्विनी मचल के नेम से। मैं पुराने सॉन्ग्स को अपने न्यू वर्जन में करता हूँ और अपने ओरिजिनल्स भी करता हूँ, तो आपने काफी गाने सुने भी होंगे अगर आप पुराने गाने सुनते हो तो। गाने तो पुराने सुने हैं और आपकी आवाज में नहीं सुने हैं मैंने। आप सुने होंगे, भले ही आपने अभी देखा है, गौर नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे वो गाने 30 मिलियन प्लस गए हैं बहुत। अच्छा, उस पे रील्स भी बनी है बहुत सारे गानों पे, तो 2 मिलियन रील, 3 मिलियन रील्स बनी है। तो आप अश्विनी मचल जाके सर्च करिएगा तो मिल जाऊंगा। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है। देखिए स्टेबिलिटी नो डाउट काफी अच्छी है, स्टेयरिंग काफी लाइट है, पहाड़ों में चलाने में इसमें आपको थकान महसूस नहीं होगी। इसका फीचर्स, मुझे फीचर बहुत अच्छा लगता है इसमें, स्टेयरिंग कंट्रोल आता है इसके अंदर ना, डायनेमिक नॉर्मल और अर्बन। बिल्कुल, तो अभी आप जो चला रहे हैं अर्बन पे चला रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है, और जिसे अगर आप हाईवे पे हो तो डायनेमिक करके चलाने में मजा आता है। अगर आप एक स्पीड पे पहुंच चुके हो ना तब मजा आता है चलाने में, मतलब स्टार्टिंग में उठाने में तो इसको बहुत दिक्कत होती है। इसको ना अमीर आदमी लेते हैं, अमीर आदमी जो होगा वही इस गाड़ी को लेगा, जो चलाएगा नहीं ज्यादा, जो पीछे बैठेगा आराम से कि यार तुम चलाओ। फिर मेरे को लगता है जो लोग इसकी टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं वो तो इसको बिल्कुल नहीं लेते होंगे। देखो बिल्ड क्वालिटी के मामले में, फिट एंड फिनिश के मामले में कोई तोड़ नहीं है। हाँ, इसका जैसे डोर भी बंद करता हूँ ना तो उसके थर्ड साउंड मतलब लगती है कि हाँ यार मजबूत है थोड़ा। चलो कोई नहीं, आ गई तो आ गई, बट इन्होंने जो फीडबैक दिया है जिससे कि बाकी लोग खरीदना चाहेंगे तो खरीदेंगे, उनकी मर्जी है भाई। बाकी जो फीडबैक है इनका, इन्होंने दे दिया है, पहाड़ों में ये गाड़ी चलाते हैं रेगुलरली, और मैं भी अभी पहाड़ में ही चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रही है डाउनहिल में। बाकी ब्रेकिंग वगैरह, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ये सब कैसी है? ये सही है, चारों डिस्क ब्रेक है इसमें, बाकी चीजें तो इसकी सब अच्छी है ओवरऑल से कंपेयर करूँ तो। देखो यार, मेरा क्या मानना है, उत्तराखंड में रहते हैं आप, ठीक है, तो डीजल भी ले सकते थे, इतनी ज़्यादा रनिंग है। 3 साल में 88,000 किलोमीटर आपने जब ग्रैंड आइटन चला दी थी, ठीक है, नियोस, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी रनिंग कितनी है, और उस हिसाब से आपको ऐसी गाड़ी सेलेक्ट करनी चाहिए थी जो एवरेज एटलीस्ट अच्छा देती हो। और चलाने वाली बात तो अलग है, चलाने में मज़ा या नहीं मज़ा, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए थी, रनिंग कॉस्ट अच्छा निकलना चाहिए था, जो डीजल इंजन आपके लिए बेस्ट और सुटेबल था यहाँ के हिसाब से। अगर आप एक आध साल में मन भी बनाओगे ना कि चेंज करता हूँ तो नुकसान करेगी, हो तो जाएगी, नुकसान बहुत ज्यादा करेगी। रिसेल भी इसकी कुछ खास नहीं। नहीं, अब मैं चेंज नहीं करूंगा, अब मैं चलाऊंगा तो यही, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है सही में उसमें इतना, मतलब इसकी रिसेल है नहीं उतनी कुछ खास, और बाकी चलो कोई नहीं यार, अब लिया है तो झेल लेंगे। बट ये है कि आपने ऑनेस्टली सब कुछ बता दिया, ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये तो तारीफ करनी बनती है। आप बाकी एमजी की सेल्स और सर्विस के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसी है उनकी सर्विस? वो बहुत बेटर है। अच्छा, हुंडई थी पहले मेरे पास, उससे तो लाख गुना अच्छी, वहाँ पे जाके लगता है कि यार आपने थोड़ी महंगी गाड़ी ली है, जिस तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं, सुनते भी है एक एक चीज,
और जैसे मैंने फर्स्ट सर्विस अपनी नियोस की कराई थी तो उस फर्स्ट सर्विस में ही मेरे से 3-4 हज़ार रुपये ले लिए थे उन्होंने कि अंडर बॉडी कोटिंग पता नहीं क्या जबरदस्ती। और इसकी जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई तो कुछ चार्जेस नहीं था, सब कुछ जीरो था। कभी फ्यूचर में दूसरी गाड़ी लोगे तो बताना, अब देखते हैं कितने टाइम के बाद बुलाते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच।